विभाग से रीना नोले, 50,000 अधिकारी। आज यहाँ पे किसान मेले में 112वां किसान मेला है हमारा, और हम लोग यहाँ पर स्टॉल लगा के खड़े हैं। और हमारे साथ में है स्वयं सहायता समूह है, जिनका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है एक तरीके का हमारे डेवलपमेंट के प्रयासों की वजह से। तो इन लोगों ने क्या काम किया है कि स्वयं सहायता समूह ने यहाँ पे छोटी छोटी सीडलिंग्स लगाई हुई हैं, और इसी को ये लोग सिंगल वर्ड कटर से काटने के बाद इसे यहाँ पर इनको ट्रांसप्लांट करेंगे। एसटीपी मेथड से इसे खेत में ट्रांसप्लांट करा जाएगा 20-25 दिन के बाद। और ये सीडलिंग्स में जर्मिनेशन परसेंटेज 95% होती है, और 10 से 40 आंखें देता है। तो इस तरह से एक तरह से स्वयं सहायता समूह जो कृषक महिलाएं ही हैं उनके पास आय का जो एक तरह से इंक्रीमेंट हो जाएगा, आय के स्रोत हो जाएगा, जिससे उन लोगों के घर पे जो वेल प्रॉस्पेरिटी आएगी, है ना। और इसी तरीके से यहाँ पे जितनी वैरायटीज हैं, कोपंत 12221 है हमारी पन्नेर की वैरायटी है, कोपंत 12226 है, ये जनरल वैरायटी होती है, ये अर्ली वैरायटी हमारी COPB 96 है, और ये टिश्यू कल्चर की वैरायटीज कुछ रखी गई है। इनका जमाव इस तरीके से होता है। टिश्यू कल्चर वो टेक्निक है जो कम से कम समय में अधिक से अधिक गन्ने का बीज का डेसिमिनेशन के लिए भी काम आती है, और प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी के लिए भी काम आती है। तो एसटीपी मेथड और ये कोकोपीट मेथड और जो बेड मेथड है, जो नर्सरी बेड मेथड है, उसके थ्रू अगर किसान अगर उसे लगाते हैं तो उनको 20 से 25 दिन का समय गन्ने को लगाने के लिए मिल जाता है। जैसे जिन गन्नों के जिन कृषकों के खेत में इस समय गेहूं या धान खड़ा होता है, इस समय तो गेहूं खड़ा है, धान कटने को खड़ा है, और इस समय फरवरी 1 मार्च के टाइम पे आपका धान गेहूं खड़ा रहेगा, तो उस समय इनको काटने के लिए समय मिल जाता है। जो फसल आपकी मैच्योर हो जाए उसके लिए, उसको काटने के लिए 20 से 25 दिन का समय मिल जाता है। 20 से 25 दिन के समय आप इसे कोकोपीट में लगा के करें, और इस समय इंटरकल्चर ऑपरेशन पॉसिबल नहीं है खेतों में, वहां पर गीले खेत होने के कारण किसान इस समय गन्ना बुआई नहीं कर सकते हैं। तो जो आपका गन्ना बुआई का जो ऑप्टिमम टाइम है 15 सितंबर से 15 अक्टूबर या 30 अक्टूबर तक, और 15 फरवरी से 15 मार्च, और मैक्सिमम टाइम 15 मार्च की जगह आप 30 मार्च ले सकते हैं। तो ये टाइम कैप्चर आपको करना है कैसे ना कैसे, तो ये टाइम कैप्चर तभी होगा जब एसटीपी मेथड या कोकोपीट मेथड से आप इसकी तैयारी कर लें पहले से। तो आप 20 से 25 दिन इसको आप बेड पे रखें या कोकोपीट में रखें, और 25 दिन का समय आप वहां ले लें, आपकी फसल परिपक्व होके कट भी जाएगी, और इंटरकल्चर ऑपरेशन आपके पूरे भी हो जाएंगे। इस तरह से आप पैदावार भी प्राप्त करेंगे गन्ने की, और अपनी गेहूं या धान की फसल को भी आप कैप्चर कर सकते हैं। तो इसमें दोनों काम हो जाते हैं, इसमें आपका समय बर्बाद नहीं होता है, आप 25 दिन तो आपके यहीं पे हो गए, ठीक है। तो इस तरह से आपकी फुल मैच्योरिटी आएगी, और आपका गन्ना परिपक्व अवस्था में फैक्ट्रीज को भी सप्लाई होगा, जिससे शुगर रिकवरी मिलेगी। डॉक्टर साहब, जैसे ये कॉकपिट रखा है जी, हम ये किसानों को कैसे ये अवेलेबल हो जाएगी, ये कॉकपिट ये हो जाती है अवेलेबल। इसमें देखिए सिंगल वर्ड हमने ये काट के रखा है, ये 3 दिन का पौधा है टिश्यू कल्चर का जी। इसमें हमने क्या किया है देखिए, ये बड कटर है, इससे हम गन्ने को काटते हैं, गन्ने को काटते हैं, तो इसमें गन्ना ये देखिए, इसमें हमें काटना है 2/3 नीचे से, और ये 1/3 ऊपर का पोर्शन होना चाहिए और 2/3 नीचे का, ताकि जब ये गन्ने की जो बड ग्रो करती है, ये नीचे तो अपना जब जड़ निकलेगी तो नीचे अपना फूड मटेरियल ढूंढेगी, तो थोड़े टाइम के लिए 20 दिन के टाइम के लिए गन्ना अपना फूड मटेरियल यहाँ से ढूंढता है, इसकी जड़ें तो ये यहाँ से मिले, इसलिए 2/3 रखने का मकसद ये है, ऊपर 1/3 है ताकि आंख इसकी कट ना सके। तो इस तरीके से गन्ना आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं, चाहे तो आप, हमने ये दिखाया है देखिए, ये आपको हमने हॉरिजॉन्टल बो के दिखाया है, वो हॉरिजॉन्टल में आपका गन्ना इस तरह से निकल के आता है, देखिए ये आप, हमने ये लगाई, ये 3 दिन का पौधा है, इसने पूरी परफेक्ट जड़ें फेंक दी, और टिश्यू कल्चर है, सामान्य विधि से भी बोया हुआ, इस समय गन्ना जमीन मांग रहा है ना। 15 सितंबर से 30 अक्टूबर के अंदर 28 से 30 या 32 डिग्री सेंटीग्रेड का जो टेम्परेचर होता है, ये आपके लिए बहुत परफेक्ट है, इस समय आप मैक्सिमम पैदावार ले सकते हैं। तो इस जी ये बड कटर नहीं, यहाँ से बड कटर का अलग स्टॉल लगा हुआ है। तो इस तरह से आप लोग अपनी आय भी बढ़ाएं,
और इसको मिनिमाइज करें, इसकी कॉस्ट को मिनिमाइज जितना करेंगे, जितनी लागत कम से कम होगी, थोड़ा सा जैविक खादें यूज करिए ना, गोबर करिए, ये आपका कोको पिट है, हल्की मिट्टी बनाइए और केमिकल्स का यूज कम करिए, और जब परफेक्ट टाइम पे बोया हुआ गन्ना होगा उसमें रोग और कीट का प्रकोप भी कम से कम होगा। डॉक्टर साहब जैसे एक मिनट में आपको जी, जैसे आपने कॉकपिट कहा, किसानों को मैं बताऊंगा, नारियल का बुरादा है, नारियल का बुरादा है, ये किसानों को अवेलेबल कहाँ से अवेलेबल होगा? ये कोकोपिट मार्केट में मिलते हैं, जैसे नर्सरीज हैं उनके यहाँ भी होते हैं, होलसेलर्स होते हैं जो ये आपकी मशीन वगैरह बेचने वाले होते हैं काफी, और ये कोकोपिट की ट्रे भी वहाँ पे मिल जाती है, होलसेल में आपको बहुत कम रेटों में मिल जाएगा, वरना तो 40 रुपए में आपको मार्केट में मिलता है और होलसेलर की दुकान में सस्ते में मिल जाएगा। अच्छा, जैसे हमने नर्सरी लगानी है डॉक्टर साहब जी, जो ये नर्सरी लगानी है इसमें क्या आपने नीचे एनपीके वगैरह भी कुछ नहीं डाला इसमें? हमने कुछ भी नहीं डाला, हमने इसमें मतलब वेल डिकम्पोज FYM फार्मयार्ड में हो जो गोबर की खाद होती है उसे डाला है ताकि फुल न्यूट्रिशन मिले, सड़ी हुई खाद, और हम लोग जैविक पे भी जोर दे रहे हैं, जैसे पिथौरागढ़ में गन्ना लगाया गया है वहाँ पे पिथौरागढ़ में भी, तो जैविक गन्ने पे जोर दे रहे हैं, जैविक में थोड़ा सा प्राकृतिक में आ जाइए, फुल जैविक तो कर नहीं सकते, जैविक से फायदे क्या होंगे, देखिए आपका गन्ना एक तो महंगा जाएगा, कम से कम लागत लगेगी क्योंकि घर के ही उत्पाद आपके तैयार होते हैं, गोबर से ही आप जीवामृत बना सकते हैं, गोबर से ही आप बीजामृत बना सकते हैं, आप पंचगव्य बना सकते हैं, गौमूत्र और गोबर की ही इंग्रेडिएंट है उसमें, सब कुछ आप जैविक तरीके से कर सकते हैं, शुरुआत के सालों में तो उसे हम प्राकृतिक कहेंगे, और दो तीन साल कंप्लीट होने के बाद जैविक बोर्ड आपको एक सर्टिफिकेशन देता है कि जैविक प्रोड्यूसर है, उससे फायदा ये होगा, उस गन्ने से अगर आप गुड़ तैयार करते हैं, उस गन्ने का गुड़ आपका 400 रुपए किलो 300 रुपए किलो मार्केट में बिकता है, जबकि सामान्य तौर पर आपका गुड़ बिकता है 80 रुपए या 40-50 रुपए किलो बिकता है, तो इस तरह से किसान अपनी आय को बढ़ा सकते हैं, और स्वयं सहायता समूह के मतलब उनको मीडिएटर बनाते हुए अगर काम करेंगे तो उनके में भी, उनके ग्रुप में भी इनकम जनरेशन होगा, उनकी भी आय के स्रोत बढ़ेंगे, उनके घर में प्रॉस्पेरिटी आएगी, और उत्तराखंड में तो महिला एक तरह से बैकबोन है आपकी किसी भी डेवलपमेंट की, उत्तराखंड की रीढ़ कही जाती महिला, तो हम यहाँ पर महिलाओं के डेवलपमेंट के ही काम के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो हमने यही डेवलपमेंट का उनको ट्रेनिंग दी है, वो खुद इसी तरीके से इसका काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब आपने जैसे बताया इसमें गन्नों को किसानों को टाइम मिल जाता है, अगर हम जी टाइम मिल जाता है, किसी ने धनिया लगा रखा है, किसी ने गेहूं लगा रखा है, अगर आप कह रहे हैं सबसे बढ़िया टाइम जो है अक्टूबर का है, जी ये टाइम किसान कैप्चर कर सकता है इस समय, 15 सितंबर से 15 अक्टूबर और मैक्सिमम 30 अक्टूबर तक जा सकते हैं, तो ये टाइम आपने कोकोपिट में यूज कर लिया, वहाँ खेत में आपका इस समय धान कटाई को खड़ा है, धान को काट लीजिए, इंटरकल्चर ऑपरेशन कर लीजिए, जुताई उताई जो करनी है आपको पूरा टाइम, 25 दिन के बाद इसे आप इस तरह से काटेंगे, ठीक है, प्याज की तरह, ताकि इसका जो यहाँ कटने के बाद क्या होता है, हमारे इसका मेन मकसद होता है इसका फोटोसिंथेसिस को हैम्पर करना, मतलब फोटोसिंथेसिस जरा कम हो जाएगा और नीचे जड़ों का विकास ज्यादा होगा, जड़ों का विकास ज्यादा होगा तो वो मिट्टी में अपनी पकड़ बनाएंगे पौधे, इसलिए इसका मकसद होता है, प्याज जैसे प्याज में करते हैं हम, इसके टिप्स काटिए और इन्हें गोल्स में 4 फीट में आप लगाइए, और पीछे से आपको उसको पानी चला देना है, पानी इस तरह से चलना है कि 2 घंटे से ज्यादा इसमें पानी ना रुक पाए, नहीं तो इसकी जड़ें सड़ जाएंगी, इस तरह से आप गन्ने का प्रोडक्शन मैक्सिमाइज कर सकते हैं, और परफेक्ट टाइम पे आप लगाएंगे, प्रोडक्टिविटी आपकी पूरी आएगी। परफेक्ट टाइम क्या है? 15 सितंबर से 15 अक्टूबर और थोड़ा सा इलोंगेशन करते हैं तो 30 अक्टूबर तक लगा लेंगे, इस समय 28 से 32 डिग्री जो टेम्परेचर होता है, ये देखिए गन्ना मांग रहा है ऐसे भी डाल देंगे, जड़ें फेंक देंगे, ये खुद मांग रहा है जड़ें, इस समय जमीन मांग रहा है, देखिए ये। अच्छा डॉक्टर साहब, ये हॉरिजॉन्टल ठीक है या वर्टिकल? हॉरिजॉन्टल मेथड जरा ठीक होता है क्योंकि इसमें जरा जो इसका जो आपका सीडलिंग निकलेगा उसे थोड़ा सा कम प्रेशर, कम ताकत की जरूरत होगी, क्योंकि एक आंख का टुकड़ा है, इसे ताकत इतनी ज्यादा है नहीं, इतना ही फूड मटेरियल है इसके पास, इसको वर्टिकल डालेंगे तो ये थोड़ा सा ऐसे घूम के ऊपर आएगा, हॉरिजॉन्टल मेथड ज्यादा बेटर कहा जाता है ये, लेकिन वर्टिकल मेथड इसलिए कि जब आप सीड बेड बनाते हैं उसमें कम जगह घेर पाए तो आपको पास पास लगाने के लिए वर्टिकल यूज करना पड़ता है। आपने एक चीज और मैं बहुत अच्छी बताई कि 95% जर्मिनेशन, 95% जर्मिनेशन, 10 से 40% ये इसमें जर्मिनेशन होता है, ये विधि है, डॉक्टर राव हैं IISR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च लखनऊ के वैज्ञानिक हैं, उनकी टीम ने, डॉक्टर राव और उनकी टीम ने ये विधि डेवलप करी, ये है स्पेस ट्रांसप्लांटिंग मेथड, STP मेथड कहते हैं, इस विधि में आपको रोपण करना है धान की तरह, पौधों को, गन्ने की पौधों को रोपण करना, और इसमें कोकोपिट में जमाते हैं तो 95% जमा में, अन्यथा हमारा देखिए 33% जमा होता है अगर 3 आंख का टुकड़ा काटते हैं, और अगर 2 आंख का टुकड़ा काटते हैं तो 50% जमा होता है, 100 आंखें डालेंगे तो सिर्फ 50 आंखें जमने के चांसेस होते हैं, और इस विधि में 100 आंखें डालेंगे तो 95 आंखों का जमा होता है आपका, तो ये इसमें जर्मिनेशन में बहुत बड़ा एक
एक तरह से उन्होंने इन्वेंशन किया एक तरह से डॉक्टर राव ने, तो बहुत बढ़िया काम है ये। इसको हर किसान को हम कहते हैं इसे अपनाएं। कुछ नहीं है तो आपको लागत कम करनी कोकोपीट की, तो आप जो शादियों में खाली खाली पड़े ग्लासेस होते हैं उनको यूज कर सकते हैं, फेंके जाते हैं वो, तो कागज के ग्लास यूज कर लीजिए। कागज के ग्लास तो डिकम्पोज आसानी से जमीन में हो जाएंगे, तो आप उनको यूज कर लीजिए। जी जी, ऐसा ना कोकोपीट अगर नहीं मिल पा रहा कोई बड़ी बात नहीं, आपका कॉस्ट कम होगी, अच्छी बात है। आप ऐसा करिएगा, गोबर लीजिएगा 1/3, 1/3 आप ये ले सकते हैं रेता ले सकते हैं, 1/3 मिट्टी ले सकते हैं, या 1/3 गोबर लेने के बाद आप 1/3 आप लीटर ले सकते हैं, जो मुर्गी का लीटर होता है वो ले सकते, थोड़ी गर्म होती है उसको, आप पहले से 1 साल पुरानी होनी चाहिए, और आप 1/3 उसमें रेता या मिट्टी ले सकते हैं। और मतलब 2-3 ऑप्शन है कोकोपीट को छोड़ने के बाद भी, मुर्गी का लीटर, केचुए का खाद और गोबर, और गार्डन सॉइल जो सड़ी गली पत्तियां हैं वो भी हल्का आपका सप्लाई करें, क्योंकि इसको उठाने के लिए ट्रांसप्लांट करते समय एक मुख्य बात, एक समस्या आती है, लेबर इसको तोड़ देती है, ठीक है, ये इस तरह से उठता है अगर, हाँ कोकोपीट अगर होगा तो ये सीधे ऐसे उठता है, ये देखिए ब्लॉक उठता है पूरा, और ये बिना नुकसान करे आपको मिट्टी सहित वहां ट्रांसप्लांट करना है। अगर आपकी इसकी सारी जड़ें हट गई इस तरह से हो गया, तो ये खेत में जाने के बाद इसे ट्रांसप्लांटिंग शॉक लगेगा और ये कुमला जाएगा, 1-2 दिन कुमलाएगा लेकिन लगेगा, लेकिन थोड़े से मोर्टेलिटी के चांसेस बढ़ जाएंगे, तो इसलिए ये काम ना करें। लेबर को आपको फुल गाइडेंस में रखना है, इस तरह से निकलेगा ये देखिए, इस तरह से निकलता है ये देखिए, जड़ें आने लग गई है, तो इस तरह से आप इसको पूरा ऐसे ही मटेरियल, इसीलिए इसको हल्का बनाना हमारा मुख्य मकसद है, जितना हल्का होगा उतना जल्दी खींचेगा। अगर आप प्योर मिट्टी से करेंगे तो ये खींचने में आसानी नहीं होगी, ये यहाँ पर से ही टूट जाएंगे, इतने नाजुक होते हैं ये, यहीं पर टूट जाएंगे, आपकी करी गई मेहनत खराब हो जाएगी। एक डॉक्टर साहब एक चीज और है, जो कुछ किसानों का यहाँ पर कहना है कि 0238 जी, जो आजकल कुछ बीमारी भी आ गई है और लोग पीछे हटते जा रहे हैं, अर्ली वैरायटी में कोई ऐसा गन्ना है जो उसके मुकाबले में है? हाँ। क्योंकि हमारे काश्तकार 500 से 600 क्विंटल प्रति एकड़ गन्ना वो ले लेते हैं। 500-600 क्या, आपके तो यूपी में, उत्तराखंड में, यूपी में तो 2600 क्विंटल का रिकॉर्ड बन चुका है, और हमारे उत्तराखंड में 2258 क्विंटल का रिकॉर्ड चौधरी साहब ने बनाया था, सत्येंद्र चौधरी जी ने 2017 में बनाया था, जो अब तक टूटा नहीं है, उसको भी तोड़ने की जरूरत है कि कोई ऐसे और दूसरे चौधरी साहब आए जो इस रिकॉर्ड को तोड़ सके। तो उसमें देखिए 238 आज तक की सबसे बढ़िया वेरायटी कही गई है, जिसे वंडर वेरायटी कहा गया, जिसने जी किसान को इतना वेल प्रॉस्पेरस कर दिया, लेकिन उसका उसमें सब जी जी उसमें ऐसा हुआ कि देखिए अब हर वैरायटी का एक डिमोलिश होती है, कहीं ना कहीं उसका डाउन आता है, तो डाउनफॉल 238 का आ गया, इसमें अटैक हो गया बहुत ज्यादा आपका रेड रॉट का, तो रेड रॉट से बचने के लिए देखिए सबसे पहली बात तो आपको इसमें सी ट्रीटमेंट करना बहुत ही जरूरी है, तो ट्राइकोडर्मा से कर लीजिए, और सिडोमोनास ट्राइकोडर्मा का पंत बायोजन 3 आता है, नहीं तो आप ट्राइकोडर्मा प्योर ले सकते हैं, और केमिकल में जाना चाहते हैं तो आप कार्बेंडाजिम या बेवेस्टिन ले सकते हैं, 1 ग्राम कार्बेंडाजिम और 1 लीटर पानी में, इस तरह का प्रपोर्शन ना है, ऐसे ही आपका उधर 1 लीटर पानी में 10 ग्राम आपको ट्राइकोडर्मा डालना है, तो इस तरह से सी ट्रीटमेंट करेंगे पहली बार। और 38 को देखिए उनके जनक ने ही कह दिया है कि इसको आप अब धीरे धीरे खत्म कर दें, बंद कर दें, बोना बंद कर दें, क्योंकि उसकी जगह वैरायटी देखिए, उसकी जगह वैरायटी है आपकी सीओ, हाँ हमारी जो 12221 पंतनगर की आई है, पंतनगर विश्वविद्यालय ने एक वैरायटी दी है 12221 दी है, ये हमारी भौगोलिक परिस्थिति जी जी जी, ये सितंबर 2021 में रिलीज हुई थी पिछले साल, तो उसमें भी हमने इसका काफी प्रचार किया था। और दूसरी वैरायटी आपकी ये है आपकी कोपंत 12226, ये जनरल में है, ये अर्ली में आपकी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे भी हैं छोटे किसान हैं, उनके घर में डंगर भी होंगे, जानवर भी होंगे, उसके लिए 26 बहुत बेटर वैरायटी मानी जाती है, कि गन्ना भी आप सप्लाई करिए और अगोल अपने जानवरों को खिलाइए, दोनों तरफ के पर्पस आपके सॉल्व हो जाते हैं। और जिनके जानवर नहीं है उनको केवल फैक्ट्री में सप्लाई करने का मकसद है, तो 21 लगा सकते हैं। 13224 भी एक वैरायटी आई है, जनरल में आई है, और उसके अलावा सीओपी भी 96 है, सीओपीपी 96 वैरायटी पंजाब की वैरायटी है, सेंट्रल रिलीज है, और उसके अलावा है ये सीओ शाहजहांपुर की 13235 है, और सीओएल की 14201 वैरायटी है, एक आपकी सीओएल की 14201 वैरायटी है, तो ये 14201 वैरायटी आपकी, ये भी अर्ली में वैरायटी, ये लखनऊ की है, और ये आपकी ये शाहजहांपुर की है, और वो पंतनगर की, वो पंजाब की, ये वैरायटी कुछ ऐसे है कि एक हद तक ये रिप्लेस कर सकती है। और 17231 हमने जो सुना है आप बता रहे हैं वो यूपी की वैरायटी, यूपी में शुष्क परिस्थितियों में, सूखी परिस्थितियों में लगाने के लिए। एक डॉक्टर साहब 0118
जीरो 118 तो देखिए नॉन बीटेबल वैरायटी है, आज तक बहुत बढ़िया उसका रिजल्ट रहा है, उसमें कुछ भी इतने साल हो गए उसने अभी तक धोखा नहीं दिया है, लेकिन उसे थोड़ा सा रिजेक्ट करते हैं लेबर्स, उसमें थोड़े कांटे कांटे आ जाते हैं तो उनको छिलाई में प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ, जीरो 118 बहुत कड़ा गन्ना है, बहुत बढ़िया गन्ना है, और उसमें मतलब उसमें कोई भी अभी तक इतनी ज्यादा समस्या नहीं देखी गई, और लेकिन सीड ट्रीटमेंट करके आप जरूर बोएं। सीड ट्रीटमेंट के बिना अगर गन्ना बोने की सोच रहे तो ना बोएं, मतलब सीड ट्रीटमेंट इतना जरूरी है जैसे कि बच्चे का टीका, आपने बचपन में टीका लगा दिया और 80 साल तक वो जीवित रहने के साथ साथ बच्चे की इम्यूनिटी के साथ चलेगा, उसी तरीके का सीड ट्रीटमेंट होता है। कोई भी वैरायटी लगाइए आप, सीड ट्रीटमेंट जरूर करिए, क्योंकि बिना सीड ट्रीटमेंट के, देखिए आपने अगर सीड ट्रीटमेंट कर लिया है तो आप एक तरह से आपके पास बूस्टर है, एक हद तक आप बच सकते हैं। तो और इन वैरायटीज में अभी तो आने का सवाल नहीं, क्योंकि जनरली ये मॉडरेटली रेजिस्टेंट या रेजिस्टेंट है रेड रॉट के लिए, अभी इसमें 4-5 साल आप समझिए कि इनमें अभी कुछ नहीं होने वाला है, और ट्रीटमेंट करना ना छोड़ें, ये हमारी फिर से हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे हाँ, कि इसी ट्रीटमेंट के बिना गन्ने को बोने की सोचे भी ना। और एक आंख का टुकड़ा आपका सबसे ज्यादा फायदेमंद माना जाता है, एक या दो आंख का, अगर डायरेक्ट सोइंग करनी तो 2 आंख का करिए, और डबल रो मेथड करिए 15-0-23, वो अभी यहाँ पे तो अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे तो बाहर है वो करनाल, करनाल की वैरायटी है। और किसी को किसान का कोई क्वेश्चन हो तो डॉक्टर साहब से कर सकते हैं, इसके अलावा किसी किसान का कोई है क्वेश्चन? और एसटीपी मेथड जो हम आपको लिटरेचर बांट रहे हैं उसको फॉलो करिए, बहुत बढ़िया ये आप, मैं भी किसान की बेटी हूँ, मैं भी चाहती हूँ कि किसान का डेवलपमेंट हो जाए। मैम ये पूछ रहा हूँ, ये लखनऊ की वैरायटी है आपके पास, ये लखनऊ की वैरायटी जो है इससे मान्य है हमारे यूपी में या उत्तराखंड में? ना ना, ये सब जगह मान्य, ये सेंट्रल रिलीज है, दो तरह के रिलीज होते हैं वैरायटीज के, या तो स्टेट रिलीज या सेंट्रल रिलीज। सेंट्रल रिलीज होगा तो वो ऑल ओवर जो इंडिया में जितने सेंटर्स हैं वहां पे टेस्ट किया जाता है, तब जाके वो सेंट्रल रिलीज होता है। सेंट्रल रिलीज में जो वैरायटी होगी वो हर जगह आपकी फीजिबल होगी, हर जगह लग जाएगी। और जो स्टेट रिलीज होगी, माना वो यूपी से रिलीज हुई है या उत्तराखंड से रिलीज हुई, केवल उत्तराखंड के लिए रिलीज है, तो उस वैरायटी में केवल उन परिस्थितियों, उन भौगोलिक परिस्थितियों के लिए फीजिबल है, कंपैटिबिलिटी उसी भौगोलिक परिस्थिति, उसी मिट्टी के लिए है, उसी तरीके से बनाई गई है, इसलिए वो वैरायटी वहीं के लिए होती है। ये वैरायटी सेंट्रल रिलीज है, हाँ हाँ, थोड़ी 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 मात्रा में होती है, ज्यादा थोड़ी थोड़ी मिलती है, ज्यादा नहीं मिलती है, ज्यादा नहीं मिलती। ये तो इसमें ये स्वयं सहायता समूह दे रहे हैं, यहाँ पर हाँ थोड़े थोड़े मिल रहे हैं, 5-5, 10-10, हाँ इससे ज्यादा नहीं मिल पाएंगे। डॉक्टर साहब आपने इतना अच्छा समझा हमारे किसानों को, और इस चैनल के माध्यम से भी कई जगह जाएगा, और आपने अपना इतना टाइम दिया और इतने समझाया, आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।